नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल AKB मीडिया में एक बार फिर से। दोस्तों आज हम बात करेंगे फिल्म ठाकरे मूवी और मणिकर्णिका मूवी के पूरे 8 दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। इसके अलावा बात करेंगे इस हफ्ते रिलीज हुई फिल्म एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा कि फर्स्ट डे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, और आपको बताएंगे दोस्तों इसमें से कौन सी फिल्म हिट रही और कौन सी फ्लॉप। तो आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों इस वीडियो को आप शुरू से लगा के अंत तक ज़रूर देखिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आएँ और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि यहां पे आपको मिलेगी बॉलीवुड और साउथ फिल्मों के बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट सबसे पहले शुद्ध हिंदी में। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले अगर बात करें फिल्म ठाकरे मूवी के बारे में, तो दोस्तों ठाकरे फिल्म में नज़र आ रहे हैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और उनके साथ है अमृता राव। आपको बता दें दोस्तों ये फिल्म स्वर्गीय और पूजनीय बाला साहब ठाकरे जी की बायोपिक है और इस फिल्म को उनके जीवन पे बनाया गया है। सबसे पहले आपको बता दूँ इस फिल्म को 2 लैंग्वेज में रिलीज किया गया है, पहला है हिंदी वही दूसरी लैंग्वेज है मराठी। जी हाँ दोस्तों इस फिल्म को मराठी में भी रिलीज किया गया है। अगर बात करें इस फिल्म के बजट के बारे में तो फिल्म का बजट बताया जा रहा है लगभग 20 से 25 करोड़ रुपए। वही बात करें इस फिल्म के रिलीज स्क्रीन की तो इस फिल्म को इंडिया में लगभग 1300 स्क्रीन मिली थी। दोस्तों फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर हो चुके हैं पूरे 8 दिन यानी कि 1 हफ्ता, और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी बढ़िया प्रदर्शन करती रही है। अगर बात करें इस फिल्म के टोटल यानी हिंदी और मराठी दोनों लैंग्वेज के कलेक्शन की, तो दोस्तों इस फिल्म ने मराठी और हिंदी मिला के इंडिया में अभी तक लगभग 40 करोड़ का नेट कलेक्शन कर लिया है। वही अगर बात फिर करें इस फिल्म के ओवरसीज़ के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो फिल्म ने ओवरसीज यानी विदेशी मार्केट में अभी तक लगभग 19 करोड़ का कारोबार कर लिया है। इसी के साथ दोस्तों जो ठाकरे फिल्म का नेट कलेक्शन होता है 8 दिन का वो हो चुका है लगभग 59 करोड़ रुपए। वही अगर बात करें ग्रोस कलेक्शन की, तो फिल्म ने वर्ल्ड वाइड अभी तक लगभग 79 करोड़ का ग्रोस कलेक्शन कर लिया है। आपको बता दें दोस्तों फिल्म सुपर डुपर हिट हो गई है। वही दोस्तों बात करें फिल्म एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, दोस्तों इस फिल्म में बहुत बड़ी स्टार कास्ट है यानी इस फिल्म में नज़र आ रहे हैं अनिल कपूर, जूही चावला, सोनम कपूर और राजकुमार राव। दोस्तों फिल्म में एक लव स्टोरी बताई गई और फिल्म का म्यूज़िक काफ़ी सुपर डुपर हिट हो चुका था। दोस्तों फिल्म को जो रिव्यूज़ मिले हैं वो काफ़ी पॉजिटिव है और फिल्म अच्छी खासी लोगों को पसंद आ रही है। जी हाँ दोस्तों फिल्म में बिल्कुल न्यूडिटी नहीं दिखाई गई है, इसी की वजह से ये फिल्म फैमिली ऑडियंस को ज़्यादा पसंद आ रही है। अगर दोस्तों बात करें इस फिल्म की स्क्रीन काउंट के बारे में, तो इस फिल्म को इंडिया में लगभग 1100 स्क्रीन में रिलीज किया गया है। वही अगर बात करें इस फिल्म के बजट के बारे में, तो दोस्तों इस फिल्म का बजट लगभग 30 से 35 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। दोस्तों फिल्म के जो रिव्यूज़ है उससे कहीं ना कहीं फिल्म को अपने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी अच्छा फायदा देखने को मिल रहा है। जी हाँ दोस्तों अगर बात करें इस फिल्म के फर्स्ट डे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो इस फिल्म को जो सुबह के शो में ऑक्यूपेंसी देखने को मिली है बड़ी सिटीज़ में, वो ज़्यादातर लगभग 55 से 50% के बीच रही है। वही अगर बात करें इस फिल्म के एडवांस बुकिंग की, तो दोस्तों नाइट वाले शो और इवनिंग वाले शो में इस फिल्म की एडवांस बुकिंग काफ़ी ठीक है, एक तरह से एवरेज कह सकते हैं, क्योंकि उतनी ज़्यादा अच्छी ऑक्यूपेंसी भी नहीं है जितनी इस फिल्म को लग रहा था कि अच्छे रिव्यूज़ की वजह से मिलेगी। लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं उम्मीद लगाई जा रही है कि नाइट वाले शो में ये फिल्म जंप मार सकती है। तो जो अभी तक की रिपोर्ट निकल के आ रही है उस हिसाब से एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा का जो फर्स्ट डे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वो लगभग 1.4 करोड़ यानी कि लगभग 1 करोड़ 40 लाख रुपये के आसपास का आ रहा है। दोस्तों इसमें आप देखना यह है कि यह फिल्म को हिट होने के लिए कम से कम 40 करोड़ कमाना है, क्या यह फिल्म कमा पाती है या नहीं। बात करें फिल्म मणिकर्णिका के बारे में, तो इस फिल्म को डायरेक्ट किया है कृष्ण ने जो कि एक साउथ के जाने माने डायरेक्टर है। वही बात करें इस फिल्म की स्टार कास्ट के बारे में, तो इस फिल्म में नज़र आ रही है बहुत ही टैलेंटेड एक्ट्रेस कंगना रनौत और उनके साथ है टीवी जगत की क्वीन यानी कि अंकिता लोखंडे। इसके साथ में इस फिल्म में नज़र आ रहे हैं मराठी एक्टर अतुल कुलकर्णी। इसके अलावा इस फिल्म में नज़र आ रहे हैं डेनिस सर। अगर दोस्तों बात करें इस फिल्म के स्क्रीन काउंट की, तो फिल्म को इंडिया में लगभग 3000 स्क्रीन में रिलीज किया गया है। वही ओवरसीज इस फिल्म को मिली है लगभग 700 स्क्रीन। अगर बात करें दोस्तों इस फिल्म के बजट के बारे में, तो फिल्म का बजट है लगभग 110 करोड़ रुपए। वही इस फिल्म के प्रमोशन कॉस्ट है लगभग 15 करोड़ यानी फिल्म का जो टोटल खर्चा हुआ यानी टोटल बजट वो हो चुका है 125 करोड़ रुपए। अब दोस्तों बात करें इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर हो चुके हैं 8 दिन और 8 दिन में फिल्म ने ठीक ठाक एक तरह से कलेक्शन कर लिया है। जी हाँ दोस्तों आपको बता दें फिल्म को जो रिव्यू मिले थे वो काफ़ी पॉजिटिव है और फिल्म सभी तरह की
की ऑडियंस को पसंद आ रही है। और मैं आपको रिकमेंडेड करूंगा कि अगर आपने अभी तक मणिकर्णिका फिल्म नहीं देखी तो आप ये फिल्म देख के जरूर आइए, क्योंकि फिल्म काफ़ी शानदार है और ऐसी फिल्में हमारे इंडिया में काफ़ी कम बनती है। मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप एक बार मणिकर्णिका फिल्म देख के जरूर आए, क्योंकि ऐसी फिल्में अगर बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कलेक्शन नहीं करती तो कहीं ना कहीं अपने आप में एक बुरा लगता है कि एक इंडियन सिनेमा में कोई अच्छी फिल्म बनती है और उसे लोग दर्शक पसंद नहीं करते, और फिर बाद में इंडियन सिनेमा पे ही ब्लेम करते हैं कि इंडिया में अच्छी फिल्में नहीं बनती, यानी कि बॉलीवुड में अच्छी फिल्में नहीं बनती। तो दोस्तों अगर आपने मणिकर्णिका फिल्म नहीं देखी तो प्लीज़ इसे देख के जरूर आइएगा। अब दोस्तों बात कर ले फिल्म के 8 दिन के टोटल इंडिया और ओवरसीज के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो फिल्म ने इंडिया में अभी तक लगभग 66 करोड़ का नेट कलेक्शन कर लिया है। वहीं अगर बात करें विदेशी कमाई यानी ओवरसीज मार्केट की, तो फिल्म ने ओवरसीज में अभी तक लगभग 24 करोड़ का कारोबार कर लिया है। इसी के साथ दोस्तों इस फिल्म का जो वर्ल्ड वाइड टोटल नेट कलेक्शन होता है वो हो चुका है 90 करोड़ रुपए। वहीं अगर बात करें फिल्म के ग्रोस कलेक्शन की, तो फिल्म का ग्रोस कलेक्शन हो चुका है लगभग 120 करोड़ रुपए। अब दोस्तों आपको बता दूं, फिल्म को अगर क्लीन हिट होना है तो फिल्म को कम से कम नेट कलेक्शन 150 करोड़ का करना है। अब देखते हैं दोस्तों फिल्म 150 करोड़ कमाने में कामयाब होती है या नहीं। वैसे दोस्तों अगर आपने ये फिल्म देखी तो आपको ये फिल्म कैसी लगी और आपको क्या लगता है, क्या मणिकर्णिका फिल्म बॉक्स ऑफिस पर 200 करोड़ कमा पाएगी या 150 करोड़, अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। और साउथ और बॉलीवुड के ऐसी नई खबरों के लिए मेरे और आपके इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, जब तक के लिए ख्याल रखें अपना और अपने माता पिता का। जय हिंद, वंदे मातरम।